हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का ZXI वेरिएंट। तो ऐसा कुछ अपने को फ्रंट लुक मिल जाता है, इसमें अपने को काफ़ी SUV वाला फील आ सकता है, बट कुछ हद तक भाई, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ही सही, बट इसमें अपने को SUV वाला फील आएगा। बाकी ऐसा कुछ उसका साइड लुक था, ऐसा कुछ इसका रियर लुक है। रियर लुक में काफ़ी सही लग रही है, बट फ्रंट से उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी रियर से लगती है। इसमें की बात करते हैं तो अपने को ऐसी कुछ की मिल जाती है। अब डाइमेंशंस की बात करते हैं, 3565 mm की लेंथ है, 1520 mm की विड्थ है। हाइट की बात करते हैं तो 1550 mm की हाइट और 2380 mm के लगभग इसका व्हील बेस है। मैं श्योर नहीं हूँ, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया, आप कमेंट में बता देना। बाकी ब्लैक कलर की इसमें अपने को ग्रिल मिल जाती है, बीच में मारुति का लोगो है, हेलोजन हेडलैम्प है टर्न इंडिकेटर के साथ, नीचे अपने को फॉग लैम्प वगैरह कुछ नहीं मिलता। बाकी रेडिएटर ग्रिल है, इधर पे टोइंग हुक मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ अपन देख लेते हैं, फेंडर पे इंडिकेटर है। बाकी बॉडी कलर वो RVM है, इंडिकेटर फेंडर पे ही मिलता है। बाकी इधर पे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, 165/70 R14 in के में अपने को स्टील व्हील मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ। बाकी ये सेम प्रोफाइल अपने को वैगनार में मिल जाती है। बॉडी कलर डोर हैंडल हैं। अब बात करते हैं रियर में, यहाँ आपको हेलोजन टेल लैम्प मिल जाते हैं इंडिकेटर रिवर्स लैम्प के साथ। बाकी यहाँ आपको मारुति का लोगो, नीचे से बूट अनलॉक कर सकते हो, एस्प्रेसो की बैजिंग, बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प और दो रिवर्स सेंसर्स और रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अपने को मिल जाता है टायर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। बाकी ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, 1 लीटर का बॉटल होल्डर और इधर पे मैगजीन होल्डर है। बाकी इधर पे स्पीकर मिल जाता है, इधर से आप सीट को रेक्लाइन वगैरह कर सकते हो। ऐसे आप इधर से RVM एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। बाकी डोर ट्रिम देखें तो डोर ट्रिम भी काफ़ी सही है। बाकी सिल्वर फिनिश में अपने को AC वेंट मिल जाते हैं। अंदर बैठ जाते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, यार भाई गर्मी बहुत है। भाई मज़ा ही आ गया। यहाँ अपने को 4-spoke स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, इधर पे फ़ोन और वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, म्यूट का बटन है, बीच में मारुति का लोगो है। बाकी ऐसा कुछ जैसे अपने को IRVM मिल जाता है इसमें, और इसमें भाई सभी मारुति गाड़ी में सभी सेम है। आप एक और बगल में एस्प्रेसो खड़ी है, उसमें आप देख सकते हो, उसमें भी सेम है। बाकी सिल्वर फिनिश में अपने को AC वेंट्स मिल जाते हैं, लाइट और वाइपर्स के कंट्रोल हैं। इधर पर सनवाइज़र की बात करें तो अपने को टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता, वहीं अपने को यहाँ पे भी मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता। बाकी आदत हो गई है भाई, इधर पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो है ही नहीं है भाई, अब स्पीड और फ्यूल गेज वगैरह कहाँ देखेंगे। बट रुको भाई, अभी तो अपना इधर पर है ना सब, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यहाँ अपने को एक दिया है जिससे कर सकते हैं। फ्यूल गेज है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, रेंज एवरेज डिस्टेंस टू MT वगैरह हैं। बाकी इसमें अगर एवरेज देखें भाई 4.8 KMPL का एवरेज है। बाकी इसमें भी सिर्फ सेंसर से कैमरा वगैरह नहीं मिलता, और इधर पे एडजस्टमेंट देखें तो इसमें कोई एडजस्टमेंट तो मिलता नहीं है। बट यहाँ पे अपने को यहाँ से कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे लाइट के कंट्रोल हैं और थोड़ी बहुत स्पेस है। कॉर्न वगैरह भी नहीं रख सकते, बट आप 5-speed manual ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर, 12V का पोर्ट, ऑक्स और USB का पोर्ट। बाकी इधर पे स्पेस है, ऐसे कुछ अपने को पैडल्स मिल जाते हैं,
बाकी इधर भी स्पेस है, ऐसे कुछ ग्लोव बॉक्स है, दो कप होल्डर हैं, सॉरी दो पावर विंडो और बीच में हजार्ड लाइट का बटन है। अब इसमें देखते हैं अपन मीटर, इसको करते हैं कैंसिल। यहाँ पे भाई अपने को जो नेक्सा में बलेनो में अपने को जो डेल्टा वेरिएंट में स्क्रीन आती है ना, सेम टू सेम एज इट इज इसमें मिल जाती है। इसमें भी एवरेज माइलेज सब बता देता है, डेट टाइम। बाकी सेटिंग्स में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है। मैंने वैगनार की वीडियो डाली हुई है तो आप उसमें भी देख सकते हो जाके। और स्कॉर्पियो एन एक्स यू वगैरह देखना तो भाई इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, तो आपको ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। और भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और आने वाले टाइम में आपको ही बताना है कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, तो आप बता देना। और बाकी इधर पे अपने को ब्लैक कलर सीट मिल जाती हैं, फैब्रिक में है। बाकी मैट ब्लैक में अपने को रोड ट्रिम मिल जाती है। अब पीछे चलते हैं, पीछे अपने को क्या मिलता है। यहाँ डोर की बात करें तो अपने को मैनुअली अप डाउन करने पड़ेंगे विंडो। बाकी मैट ब्लैक में अपने को डोर हैंडल मिल जाता है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा कम है, बट ठीक है इस प्राइस रेंज में। बाकी फ्रंट का इंटीरियर ऐसा कुछ मिल जाता है अपने को। और काफ़ी लेग रूम की बात करना, भाई लेग रूम ज़बरदस्त गाड़ी में, बट थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। बाकी ऐसी कुछ अपने को रियर वो मिलती हैं, पार्सल ट्रे नहीं मिलती इसमें। तो करते हैं क्लोज, अब करते हैं बूट को अनलॉक। या तो आप आगे से कर सकते हो या कि पीछे से। बाकी चिप की कमी चल रही है तो आप देख ही सकते हो, एक रिमोट की है एक मैनुअल की है। बाकी इसमें 270 लीटर की बूट स्पेस है। बाकी ऐसे कुछ इधर पे अपने को स्पेयर व्हील मिल जाता है, और तो भाई रियर में कुछ मिलता नहीं है अपने को। लो अगर बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और बाकी कमेंट में बता देना अगर आपको LXi और VXi का कंपैरिजन चाहिए, सॉरी ZXi और LXi का। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।